नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूँ दीपिका नयाल। बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म माणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी का पहला पोस्टर जारी हो गया है। फिल्म के पोस्टर में कंगना का लुक काफी शानदार है। कंगना की ये फिल्म झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित है, जिसमें कंगना रनौत लीड रोल में नजर आएंगी। इस फिल्म का निर्माण किया है जी स्टूडियो ने, जिसमें कंगना के अलावा अतुल कुलकर्णी, तात्या टोपे, सोनू सूद, सदाशिव और अंकिता लोखंडे झलकारी बाई की भूमिका में नजर आएगी। माणिकर्णिका का पोस्टर देखने लायक है। पोस्टर में कंगना का अंदाज एकदम अलग है। सोशल मीडिया पर कंगना के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है, जिसमें वो हाथों में तलवार लिए योद्धा बनी हुई नजर आ रही है। कंगना ने पहली बार ऐसी भूमिका निभाई है। उन्होंने फिल्म के बारे में कहा था कि ये फिल्म निश्चित तौर पर लोगों के बीच गर्व की भावना पैदा करेगी। रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभा रही कंगना इस पोस्टर में आक्रामक अवतार में दिखाई दे रही है। घोड़े पर सवार कंगना के एक हाथ में तलवार है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही झांसी की रानी की पीठ पर उनका बेटा है। आपको बता दें कि फिल्म की रिलीज डेट अगले साल 25 जनवरी 2019 को रखी गई है। रानी लक्ष्मीबाई पर बनने वाली इस फिल्म के इतिहास को लेकर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया गया था, जिसके चलते ये फिल्म विवादों में आ गई थी। वैसे आपको बता दें कि जिस दिन कंगना की फिल्म रिलीज हो रही है, उसी दिन ऋतिक रोशन की सुपर 30 भी रिलीज हो रही है। माना जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर कंगना वर्सेस ऋतिक देखने को मिल सकता है। दोनों ही फिल्में बेहतरीन बताई जा रही है। देखना होगा दर्शक किसे पसंद करते हैं। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।